नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार घर में बेलपत्र का पौधा होने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है और घर में रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय हो जाता है तथा घर में यदि कोई तंत्र मंत्र या ऐसी कोई बाधा है तो उससे भी छुटकारा मिलती है। ऐसे में यदि आपके घर में बेलपत्र लगाने की जगह नहीं है तो आप गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अक्सर हमें यह नहीं पता होता कि बेलपत्र का पौधा किस जगह पर लगाना चाहिए। यदि बेलपत्र का पेड़ आपके घर में है तो उसे घर के ठीक पीछे के भाग में लगा होना चाहिए, यानी कि जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं अपने घर में, जहाँ से प्रवेश कर रहे हैं उसके जस्ट पीछे यदि बेलपत्री का पेड़ आप लगा रहे हैं तो यह बहुत ही शुभकारी माना जाएगा। लेकिन आजकल अपार्टमेंट में फ्लैट सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में यदि आप गमले में पेड़ लगा रहे हैं, छोटा पौधा बहुत ही आसानी से गमले में लग जाता है, तो जिस प्रवेश द्वार से आप निकल रहे हैं अपने घर के मेन डोर से, यानी प्रवेश द्वार से जहाँ से आप निकलते हैं, वहाँ के ठीक राइट हैंड साइड में बेलपत्री का वृक्ष या जो भी पॉट में आपने लगा रखा है उस जगह पे रखिए, राइट हैंड साइड में। ऐसा करने से सुख का अनुभव होता है, घर में बरकत आएगी और भगवान शिव की कृपा घर के सभी सदस्यों पर बनी रहेगी। कई बार ऐसा होता है हमारी कमाई जो है वह कम भी होती है, ऐसे में हम बहुत सुखी रहते हैं, घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें रहती हैं, घर में एक अच्छा खुशनुमा माहौल बना रहता है, बच्चे तरक्की करते हैं, टेंशन फ्री माहौल होता है। पेड़ पौधों का हमारे जीवन पर बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, वैज्ञानिक कारण भी होते हैं और आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे जीवन पर एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। फ्रेंड्स, यदि घर से निकलते समय बेलपत्री का पेड़ आपने लेफ़्ट साइड में लगा रखा है या लेफ़्ट साइड में पॉट को रखा है आपने, तो ये आपके घर में बरकत होने से रोकेगा। यानी यदि आप एक रुपया भी कमाएंगे तो सवा रुपया खर्च होगा। घर के सभी लोग यदि मिलकर काम करते हैं या घर के 10 लोग भी पैसा कमाते हैं, फिर भी घर में पैसा नहीं टिकेगा और घर में तंगी और टेंशन और नेगेटिव माहौल हमेशा बना रहेगा। यदि लेफ्ट में बेलपत्री का पेड़ होगा तो कभी भी सुख का अनुभव नहीं होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि बेलपत्री का पेड़ वैसे तो घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन कुछ खास दिशाओं में इसको स्थापित करना हमारे सुख के अनुभव को बढ़ा सकता है। इसलिए आप ट्राई करें कि हमेशा राइट हैंड साइड में ही बेलपत्री का पेड़ हो। हमारे प्रवेश द्वार से जब हम बाहर निकल रहे हैं तो जो बेलपत्री का पेड़ हो या पॉट लगाया है आपने, वह राइट हैंड साइड पर हो, लेफ्ट हैंड साइड पर ना हो। शिव पुराण के अनुसार घर में बेल का वृक्ष लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसके अनुसार जिस स्थान पर यह पौधा होता है वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल बन जाता है। ऐसी जगह पर साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है और जिस घर में ये पेड़ लगे होते हैं वहाँ सभी तंत्र मंत्र और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जिस घर में बेल का वृक्ष हो वहाँ रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में बेलपत्र के प्रयोग का विशेष महत्व है। शिव पूजन में विशेष रूप से जो आप बेलपत्र इस्तेमाल करते हैं उसे धो करके आप वापस शिव पर चढ़ा सकते हैं, तब तक जब तक कि वह गल ना जाए या कट फट ना जाए। इतना महत्व होता है बेलपत्र का, वह खुद में अक्षय है, वह जल्दी खराब नहीं होता है।
कहते हैं शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि बिल्व पत्र की जड़ में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए इसके वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी पूजा करने से धन लाभ और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जिस घर में यह पौधा होता है वहाँ साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता अनुसार ये पौधा इतना शुभ होता है कि बिल्व पत्र के वृक्ष की जड़ का जल अपने माथे पर लगाने से समस्त तीर्थ यात्राओं का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें नियमित जल चढ़ाने और शिव पूजन में इसका इस्तेमाल करने से कई जन्मों के फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई तीर्थ यात्राओं के बराबर फल भी मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।